सोशल मीडिया पर आज के लिए एक तस्वीर खूब चल रही है। इसमें जर्मनी के तानाशाह हिटलर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं एक ही काम करते हुए, यानी बच्चों के कान घींचते हुए। तस्वीर को गुजरात के पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है, साथ ही लिखा है अंतर पहचानिए। अब मोदी हिटलर के साथ तस्वीर का शेयर करने का मकसद क्या हो सकता है? वो ये कि जिस तरह हिटलर एक तानाशाह था और वो भी बच्चों के कान खींचता था, पीएम मोदी भी ठीक वैसे ही करते हैं। अब आपको असलियत भी बता देते हैं, ये तस्वीर सही है या नहीं? जवाब है, ये सारा फोटोशॉप का कमाल है, ये तस्वीर फेक है। पीएम मोदी और हिटलर की तस्वीर को एक बार फिर से गौर से देखिए। अब पीएम मोदी का बायां हाथ देखिए और हिटलर का दाहिना हाथ देखिए, पूरा खेल समझ आ जाएगा। हुआ यह है कि पीएम मोदी के हाथ को फोटोशॉप के जरिए हिटलर के हाथ पर चिपका दिया गया है और फिर साबित करने की कोशिश की गई है कि पीएम मोदी वही करने के आदी हैं जो हिटलर करता था। अब हिटलर की इस तस्वीर की असलियत भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये फोटो हिटलर ने बच्ची के कंधे पर हाथ रखकर खिंचवाई थी। ये नाजी प्रोपेगेंडा के तहत किया गया था, क्योंकि तब जर्मनी में हिटलर के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। तो हिटलर ने बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाकर ये दिखाने की कोशिश की कि हिटलर ही जर्मनी के बच्चों और युवाओं के भविष्य को संवार सकता है। बाकी रही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, तो वो तो अक्सर बच्चों के साथ ऐसी तस्वीरें खिंचवाते ही रहते हैं। हाल ही में जब कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे, तो पीएम मोदी ने उनकी बेटी के भी ऐसे ही कान खींचे थे। पीएम मोदी ने खुद ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी की थी। और जो फोटो हिटलर के बगल वाली है, वो 2 सितंबर 2014 की है, जब पीएम मोदी जापान गए थे। वहां पीएम मोदी ने टोक्यो के ताइमी एलिमेंट्री में बच्चों के साथ बातें की थी, बांसुरी बजाकर उन्हें सुनाया था और कृष्ण की कथा बताई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने बच्चों के साथ एक फोटो भी खिंचवाई थी। ये तस्वीर उसी वक्त की है, माने हिटलर और मोदी की ये तस्वीर साथ में पेश करना एक एजेंडा भर है। मगर चिंता की बात यह है कि संजीव भट्ट जैसे पूर्व पुलिस अधिकारी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, तस्वीर शेयर कर देते हैं। लेकिन अब आप ऐसा मत करिएगा, कर दी हो तो हटा लीजिएगा। ऐसे ही कोई पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर आपको नजर आए या फर्जी लग रही हो, तो हमें जरूर भेजें हमारी मेल आईडी lallantopmail@gmail.com पर। हम उसकी पड़ताल करेंगे और उसकी सच्चाई आपके सामने रखेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।